मुझे वोट दो, मैं तुम्हें शराब दूंगा, और वो भी प्रशासन की अनुमति के साथ। जी हाँ, यूं तो चुनावों में कई तरह के किस्से कहानी सुनने को मिलते हैं। कहीं नोट से वोट मांगी जाती है तो कहीं छिप छिपा कर शराब बांटी जाती है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में चल रहे निकाय चुनावों में शराब बांटने के लिए छिपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने खुद ही इसकी अनुमति प्रत्याशियों को दे दी है। नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आपके सामने पेश है बात पते की। मध्य प्रदेश में चल रहे निकाय चुनावों में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर छिंदवाड़ा में प्रशासन ने प्रत्याशियों को शराब बांटने की खुल्लम खुल्ला अनुमति दे दी है। ये जो हम चुनाव का जब हमने नामांकन भरे थे, उस समय हमें लेखा व्यय मिला गया था, एक पुस्तक मिली गई है नगर चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यालय से। उस पुस्तक में इस शराब बिक्री का उल्लेख हुआ है कि ये शराब आपको कौन से ब्रांड की बेचना है, क्या बुनना। इस घोषणा से आम आदमी तो परेशान है, लेकिन शराबियों की मौज हो गई है। नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं। बस उन्हें करना इतना होगा कि वो शराब का खर्चा अपने चुनाव खर्चे में शामिल करें। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इसके लिए देसी और विदेशी शराब की रेट लिस्ट तक जारी की है, जिसे प्रत्याशियों को चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के साथ सौंपा गया। अधिकारियों ने लगभग 900 शराब के ब्रांड की 30 पन्नों की लिस्ट प्रत्याशियों को सौंपी है, जिसमें ब्रांड का नाम और उनकी रेट लिस्ट के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन डाली गई है। इसके बाद सवाल ये बना हुआ है कि क्या वाकई निर्वाचन आयोग ने इसकी रजामंदी दी है, या फिर अधिकारियों ने खुद ही इस तरह का फैसला लिया है। इस निर्णय पे जहां एक तरफ सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह से ये निर्णय जो है वो चुनाव की और चुनाव की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज 24 MPCG के इस खबर को उठाने के बाद निर्वाचन आयोग ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये जो अफवाह फैली है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है और चुनावों में शराब बांटने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस संबंध में एक ज्ञापन हमारे पास आया था, तो हमने कलेक्टर छिंदवाड़ा से इसमें प्रतिवेदन प्राप्त किया है और उन्होंने ये बताया है कि ये कोई इस तरह का प्रकरण नहीं है कि मदिरा को अलाउड किए जैसे जाने जैसी कोई चीज़ है। एक जो पत्र था वो उन निर्वाचन अपराधों के लिए है कि अगर कोई अपराध घटित होता है इस तरह का, तो उसमें उन पे जो दांडिक और अन्य कार्रवाइयाँ होंगी उसके लिए उस पत्र का पर्पस था। बाकी ऐसा उसमें कोई ऐसा पर्पस नहीं है, और वहाँ उन्होंने लोकल स्थानीय स्तर पर इसको प्रेस में और सब संबंधितों के समक्ष क्लेरिफाई भी कर दिया है, स्पष्ट भी कर दिया है, और ऐसा कोई कानून नहीं है, ना इस तरह की कोई स्थिति है, और उसमें इससे ज्यादा और कुछ वस्तु है नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल न्यूज 24 MPCG को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।